तो यो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ फर्दर क्लाइंट 40 लॉन्चर, पोजो लॉन्चर, मोजो लॉन्चर, दालित लॉन्चर, खिचड़ी लॉन्चर। एक मिनट, एक खिचड़ी लॉन्चर क्या होता है? तो मैं ये कह रहा था कि मैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के लिए, आई मीन नॉर्मल वाला के लिए फर्दर क्लाइंट लाया हूँ। तो पिछले वाले लूना क्लाइंट के वीडियो में मैंने सिर्फ रिसोर्स पैक लाया था, लेकिन इस बार मैंने रिसोर्स पैक के साथ साथ बहुत सारा मोड्स लाया है, और वो भी आप लोगों के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं करते आप सब्सक्राइब, जल्दी से करो। 25 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है हम लोग। तो गाइस, आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये फेदर क्लाइंट जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.21.5 और 1.21.8 के लिए बनाया है। ये इसीलिए है क्योंकि हर एक पैक में आपको मोर देन 50 मोड्स दिखेंगे। मतलब 1.21 में टोटल 9 वर्जन से अगर मैं सभी के लिए बनाऊँ तो मुझे 450 मोड्स डाउनलोड करने होंगे। तो मैंने सारे के सारे नहीं किया है। तो अगर आपको दूसरा वर्जन भी चाहिए है तो उस वर्जन को आप कमेंट करो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाला जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगा, उसके अंदर आपको दो वर्जन्स मिल जाएंगे। इन दो वर्जन्स में आपको एक वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरा तो 1.21.8 है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। उसके अंदर आपको दो मिलेंगे, मॉड्स और रिसोर्स पैक्स। तो आपको डॉट माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर खोलना पड़ेगा। उसके अंदर आपको मॉड्स वाला फोल्डर ढूंढना है। पहले हमारे मॉड्स में वापस आते हैं। उसके अंदर जो आपको मॉड्स मिलते हैं उन सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट करने के बाद हमें उन्हें कॉपी करना पड़ेगा मॉड्स वाले फोल्डर में। तो गाइस, जब आप मोड्स को कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हो तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको उसमें स्किप दिस फाइल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, उसके बाद हमें बैक आके रिसोर्स पैक्स वाले फोल्डर को फाइंड करना है। उसको ओपन करने के बाद हमें वापस आना है हमारे वाले जो मोड पैक है उसके अंदर। तो उसके बाद हमें उसके अंदर का रिसोर्स पैक्स को ओपन करना है और इन दोनों रिसोर्स पैक्स को कॉपी करना है। तो ये सब करने के बाद हमें माइनक्राफ्ट को ओपन करना है। तो गाइस, अभी हम हमारा माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं। अभी हमें ऑप्शंस में जाना है, रिसोर्स पैक्स में जाना है। हमें ये दो वाले रिसोर्स पैक्स को एक्टिवेट कर देना है। सबसे पहला वाला इसको एक्टिवेट करना है, यस, एंड इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। मेक श्योर ये बेटर जीवर वाला रिसोर्स पैक फेदर क्लाइंट V2 के नीचे होना चाहिए, एंड उसके बाद डन में क्लिक कर देना है। और हमारा जो टी लॉन्चर है वो फेदर क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे अभी मैं आपको ये फेदर क्लाइंट का सारे फीचर दिखा लेता हूँ। मैं सिंगल पहले में ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड है क्रिएटिव का, इसके अंदर जाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग हमारे वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। एक मिनट गाइस रुको, मुझे रीप्ले मोड अभी स्टॉप करना चाहिए। ओके, एंड अभी मैं आपको एक चीज़ कर लेता हूँ। अगर आप राइट शिफ्ट वाले बटन दबाओगे कीबोर्ड में तो हमारा मोड मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कितने सारे मोड्स हैं इस मोड मेन्यू में, जिससे आप माइनक्राफ्ट को एकदम खतरनाक से खेल सकते हो। तो अभी तो हम लोग इसको बंद कर लेते हैं, इसका यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत UI का डिज़ाइन दिखा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा इन्वेंट्री एकदम डार्क है। तो अभी हम लोग ने क्राफ्टिंग टेबल ओपन करने वाले हैं। अभी क्राफ्टिंग टेबल लेना है और नीचे जाना है और फिर लगाना है।
क्राफ्टिंग टेबल का यूआई आप देख सकते हो, एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग फर्नेस का भी यूआई देख लेते हैं। तो फर्नेस का भी यूआई एकदम अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।